अगर मान लो मैं इस तरह का सवाल हम लोग स्ट्रेट लाइन में किया था, अगर मान लो मैं एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई ओरिजिन पर आ रहा है 0 0, और फिर यहाँ के ये हाफ सर्कल में चला गया, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे पैरेलल टू दिस जेड एक्सिस, समझ में आया? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सो ऑब्वियसली इस डिरेक्शन में हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस है, सो अ करेंट इज कैरिंग थ्रू अ इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर टूवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस। ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है अंदर की तरफ, इधर जेड डैश यानी नेगेटिव जेड एक्सिस इनसाइड जाता है, ठीक है। तो दिस इज इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर, ये भी इधर इन्फिनाइटली लॉन्ग इन्फिनिटी तक जाता है। ये मेरे को पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जबकि ये पॉइंट जो है इसका मान लो कोऑर्डिनेट पॉइंट 2a,0। सो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर जस्ट गिवेन 2a,0। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो दिस आर द इंफॉर्मेशंस अबाउट द वायर। दो स्ट्रेट वायर्स है इन्फिनाइटली लॉन्ग, दे आर ऑन विच प्लेन? स्ट्रेट वायर्स कौन सा प्लेन में है बताओ जरा मेरे को। जेड एक्स प्लेन में। सर्क्यूलर वायर कौन सा प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन, करेक्ट। सर्क्यूलर वायर सेमी सर्कल है, एक्स वाई प्लेन पे है। इन्फिनाइटली लॉन्ग टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स बोथ आर ऑन एक्स जेड प्लेन। पी इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल का मतलब हो गया कि पी का कोऑर्डिनेट्स 1,0। कोई डाउट है क्या? तो पी में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्ट्रेट वायर गुलो जुन्नो? कैंसिल आउट हो जाच्चे। की करे कैंसिल आउट होच्चे? ठीक करे चेक करो। आई डोंट थिंक सो इट इज गेटिंग कैंसिल्ड आउट। এর আগের দিনে যেটা দিয়েছিলাম ওটাই ক্যান্সেল আউট হচ্ছিল, কিন্তু এটাই ক্যান্সেল আউট হবে না। ক্যান্সেল আউট হবে কি? আমার মনে হচ্ছে না হবে। তাহলে ক্যান্সেল আউট না হলে কত হবে? হোয়াট ইজ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওয়েন আ পয়েন্ট ইজ লোকেটেড অ্যাট দ্য নিয়ারেস্ট পয়েন্ট ফ্রম আ ইনফিনাইটলি লং ওয়ার সেমি ইনফিনাইট? ইয়াদ হ্যায় কি নেই হ্যায়? सेमी इन्फिनाइट का तीन केसेस बताया था ना, तो ये सेमी इन्फिनाइट है कि नहीं? पी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू बोथ इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर सेमी इन्फिनाइट तब है जब पॉइंट पी इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर होने के बावजूद भी उसका एक एंड के साथ वो फाइनाइट डिस्टेंस में, मेजरेबल डिस्टेंस में हो। तो एक एंड जो ये है, ये एंड से, ये एंड से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए में है ना, तो जब एक एंड से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में होता है तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। एक्चुअल ज्योमेट्री क्या है? जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर, इट इज गोइंग इनवर्ड, पी इज राइट साइड ऑफ दिस, सो इट इज गोइंग डाउनवर्ड। यानी कि ये पहला मैग्नेटिक फील्ड बी वन जो है वो नीचे के तरफ माइनस जे कैप, समझ में आया? माइनस जे कैप बी वन यानी कि फर्स्ट पार्ट ए, इसके वजह से पार्ट वन, इसके वजह से बी वन, ठीक है। सेमी सर्क्यूलर वायर क्लॉकवाइज करेंट, पी पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इन टू द प्लेन। ये सेमी सर्क्यूलर वायर ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो बी टू वो हो जाएगा बी टू। बी टू का यूनिट वेक्टर क्या होगा? माइनस के कैप इन टू द प्लेन, है ना? अच्छा, अब आओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज पैरेलल टू द फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट अगर अलोंग जेड एक्सिस है तो थर्ड पार्ट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस कमिंग आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। तो आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन इट इज मैग्नेट करेंट बाहर की तरफ, पी पॉइंट इज टू दैट साइड, सो इट इज अगेन गोइंग डाउनवर्ड। यानी कि बी वन का जो डिरेक्शन होगा वही होगा बी थ्री का, कारण उसका भी यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप। समझ में आया कि नहीं आया? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी हो गया बी वन एंड बी थ्री बोथ आर म्यू नॉट
आई बाई फोर पाई ए, तो ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई बाई फोर पाई ए इंटू माइनस जे कैप, ठीक है ना, म्यू नॉट आई ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई बाई फोर पाई ए माइनस जे कैप प्लस सेमी सर्कल के लिए अभी हम लोगों ने किया कितना होता है म्यू नॉट आई बाई फोर आर, आर क्या है ए, तो दिस इज म्यू नॉट आई बाई फोर ए माइनस के कैप, समझ में आया कि नहीं आया। ये हुआ हमारा पी का नेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पी। যেমন যেমন আমরা যে যে কেসের ফর্মুলা পেলাম সেই হিসেবে তার ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং ডাইরেকশনটা সেইভাবে লিখছি, যেহেতু এখানে টোটাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড দুটো ডিস্টিংক্ট ডিরেকশনে আছে সেটা ডাইরেক্ট অ্যাড হবে না, তো সেই জন্য যেটা যেই দিকে সেই দিকের ভেক্টরগুলো অ্যাড হবে সেটা ওটাকে ইউনিট ভেক্টরে লিখতে হবে। এক ওয়ার এসা হ্যায় ठीक है, विद द टू इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर्स, वन इन्फिनिटी टू पी और एक एस टू इन्फिनिटी, ये दोनों पोर्शन पैरेलल है, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, कुछ कॉमन है विद आवर बेसिक आर्गुमेंट, जैसे बेसिक आर्गुमेंट क्या उसके साथ क्या कॉमन है ना, सेमी सर्कल की करे थ्री फोर्थ ऑफ अ सर्कल है, थ्री म्यू नॉट आई बाई एट है, आर ओटाई हबे शुधु आर किछु हबे ना। ওটাই হবে আর কিছু হবে না বলছো, হবে নিচেরটা হবে, দেখো তিন পার্ট সোচো, ইসকা তিন পার্ট সোচো, সেকশন ওয়ান সেকশন টু সেকশন থ্রি, ইসমে সেকশন ওয়ান কে লিয়ে ম্যাগনেটিক ফিল্ড জিরো হ্যায়, ওয়াই ম্যাগনেটিক ফিল্ড এট ও ডিউ টু সেকশন ওয়ান ইয়ে জিরো হ্যায়, কিউ জিরো হ্যায়, কারণ হ্যায় কি पॉइंट इज लाइंग ऑन द स्ट्रेट वायर ओनली। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सेक्शन टू, तो ये थ्री फोर्थ ऑफ द सर्कल है, तो ये होगा थ्री फोर्थ ऑफ म्यू नॉट आई बाई टू आर। अच्छा इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा इन टू द प्लेन, क्लॉकवाइज है ना, तो ये हो गया हमारा थ्री म्यू नॉट आई वाई एट आर, इतना टेस्ला इनवर्ड। अब जो थर्ड वाला पार्ट है दैट इज अ सेमी इन्फिनाइट पोर्शन, तो सेमी इन्फिनाइट पोर्शन ऐसे जा रहा है उसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड इन टू सेम इन डायरेक्शन, तो थर्ड पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू पार्ट थ्री, that will be equal to mu naught I by 4 pi r, semi infinite है ना, mu naught I by 4 pi r tesla, ये भी direction wise inward, तो यानी कि तीन part में दो part के लिए magnetic field हुआ, first part के लिए magnetic field zero, तो total value क्या हो गया, net magnetic field will be sum of the values at सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, तो उसको ऐड कर दो थ्री म्यू नॉट आई बाई एट आर प्लस म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर
इसका जो भी टोटल सिंप्लीफाइड वैल्यू होगा, इतना टेस्ला है ना, इतना टेस्ला इनटू द प्लेन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो।